तीर्थ नगरी ऋषिकेश में दबंगई करने और हवा में फायरिंग करने पर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे अवैध पिस्टल, हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड बरामद की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ युवक बीच सड़क में सरेआम गुंडई करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान युवकों ने फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला भी किया और फरार हो गए। वहीं इस मामले पर दून पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को 12 घंटे के अंदर धर दबोचा है। इस बात को लेकर देहरादून के SSP अजय सिंह ने कहा कि बीती रात ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल के पास कार सवार 4 युवकों की एक स्थानीय निवासी के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद एक युवक द्वारा फायरिंग की गई और हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड के साथ हमला भी किया गया, जिसे देखते हुए अभियुक्तों पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाड़ी का नंबर ट्रैक करने के बाद युवकों को देवप्रयाग के पास 3 धारा से पकड़ा गया और पुलिस से बचने के लिए अवैध पिस्टल को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था, जिसे बीती रात बरामद कर लिया गया। कल चंद्रभागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार 4 लोग जो किसी छोटी बात पर लोकल जो वहां के निवासी थे उनके साथ दीपक उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया। फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहां पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में किसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ SOG ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो 80 नंबर की गाड़ी का पता चला था, उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहां पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ में पूरे घटनाक्रम का पता चला, लाठी डंडे स्टिक की गाड़ी से बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए वेपन को जो है जो इलीगल वेपन पिस्टल थी उसको एक कूड़ेदान में रास्ते में फेंक दिया गया था, उसको भी कल पुलिस ने रात्रि में बरामद कर लिया गया। 4 अभियुक्त में 2 अभियुक्त राजस्थान के रहने वाले, अन्य जो है हापुड़ के रहने वाले हैं, जो गढ़वाल श्रीनगर यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है और साथ ही दोस्त है और वो वहां पर जा रहे थे। 4 को न्यायिक हिरासत में पेश किया जा रहा है।